बच्चे से गलती हो गई है, इन्होंने जाली डॉलर 6,000 आगे बेच दिए हैं 15,30,000 के। FIA साइबर क्राइम ने जाली डॉलर तैयार करके मार्केट में फरोख्त करने वाले गैंग को गिरफ्तार कर लिया। बिल्कुल ऐसे लगते जैसे असली थे, बाद में पता चला यार ये तो 2 नंबर है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फराज निज़ाम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। FIA साइबर क्राइम ने की बड़ी कार्रवाई जिसमें 3 मुलजिमान को गिरफ्तार किया। ये मुलजिमान जाली डॉलर्स तैयार करके मार्केट में फरोख्त कर रहे थे। आइए चलकर इन मुलजिमान से जानते हैं। सुहेल ये बताओ, ये कैसे तैयार करते थे डॉलर्स और किन लोगों को फरोख्त करते थे? फहद इनके भाई हैं फहद, उन्होंने मुझे कहा था कि ये सेल कर रहे हैं, तो मैंने अपने एक क्लाइंट से रब्ता किया तो उनको चाहिए थे 5 से 6 हज़ार, तो मैंने उनको बुलवा के इनको बुलवा के और फहद को बुलवा के मैंने उनको सेल करवा दिए। फिर वो पैसे लेके चले गए, बाद में पता लगा कि भाई ये फेक है। कितने पैसे बनते हैं टोटल? 15,30,000। तो फिर कैसे पता चला कि जाली है जब आपको पता ही नहीं था? उन्होंने बताया था बाद में। कितनी देर बाद? तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद। क्या कहा फिर आपको फ़ोन करके? क्योंकि ये उन्होंने कहा था कि ये ठीक करना है, हमें हमारा एग्रीमेंट ये होगा नहीं, हमें चाहिए नहीं। उन्होंने ये नहीं बताया था कि फेक है ये, उस वक्त ये बात उन्होंने मुझे नहीं की थी। तो मैंने फिर फहद को रब्ता किया कि भाई ये डील नहीं होगी, पैसे उनके वापस कर दें। उसके बाद से वो स्किप हो गया, वो सामने नहीं आ रहा बिल्कुल भी। किस तरह इनको जानते थे आप? मैं फहद के साथ मैं से वो टिशू का काम करते हैं, टिशू पेपर का। आप क्या काम करते हो? मैं टिशू पेपर का काम करता हूँ। ताल्लुक कैसे बना इनके साथ आपका? वो मुझसे माल परचेज सामान ये टिशू पेपर वगैरह परचेज करते थे, इस दौरान रब्ता हुआ था मेरा। अच्छा जी। जमान? हाँ जी। क्या लगता है फहद आपका? मेरे बहनोई है। कब से काम कर रहे हो? मैं काम नहीं उनके साथ कर रहा, उस दिन मैं उनके पास आया था तो मुझे उन्होंने पार्क व्यू के गेट से गाड़ी पे बिठाया, तो आगे गए हैं तो सुहेल भाई, इनका पहले भी काफ़ी नाम सुना था, ये उनके साथ काम करते थे टिशू वगैरह का, तो मैं गाड़ी में बैठ गया हूँ, वो उतर के सुहेल भाई के साथ दूसरी गाड़ी में बैठ गए हैं। तो थोड़ी देर बाद उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि सुहेल भाई आप गाड़ी में, ये सामने ही साथ ही गाड़ी इनकी खड़ी हुई थी, उन्होंने फ़ोन किया कि सुहेल भाई आ रहे हैं, इनको डैशबोर्ड में एक लिफाफा पड़ा वो निकाल के दे दो, तो मैंने वो निकाल के दे दिया। थोड़ी देर बाद वो उतर के अपनी गाड़ी में से आए हैं, तो वहाँ से निकले हैं, मुझे उन्होंने ठोकर बड्डे पे उतार दिया। फहद बिनोई लगता है आपका, उसने कभी भी नहीं बताया वो क्या करता है? वैसे वो डॉलर इस काम के अलावा क्या करते हैं? वो इसके अलावा वो ओमान में उनका काम है। किधर? ओमान में। किस चीज़ का? लेबर वगैरह उन्होंने रखी है। इधर कई दफ्तर बनाया हुआ है उन्होंने? नहीं वो ओमान ही होते हैं। ओमान होते हैं? हाँ जी। आपकी बहन ने कभी भी नहीं बताया कि जाली डॉलर बनाते हैं, लोगों को फरोख्त करते हैं? उस दिन जब मैं घर गया हूँ तो वो आप ही भी काफ़ी परेशान थी, उनके इलम में भी नहीं था। कितना अर्सा हो गया शादी हुए आपकी बहन की? उनको हो गए तकरीबन कोई 10-12 साल। क्या नाम है आपका? प्रोफेसर जकाउल्ला, इस्लामियात का मैं प्रोफेसर हूँ, प्राइवेट कॉलेजेस में पढ़ाता हूँ। ये जिस दिन फराड पैरवी हो गया है ना, उसके 28 घंटे बाद मुझे मेरे एक दोस्त हैं उस्मान, उन्होंने कहा यार बच्चे से गलती हो गई है, इन्होंने जाली डॉलर 6,000 आगे बेच दिए हैं 15,30,000 के, तो इनका कंप्रोमाइज़ करवा दें। नहीं ये बच्चे से गलती हुई है आप कह रहे हैं? कहा ये गलती नहीं हुई, ये बहुत बड़ा जुर्म हुआ है, आप ये पैसे वापस करें सारे उनके और जाली डॉलर अपने वापस लें। अब ये एक लीगल, किसने आपको कहा था कि बच्चे से गलती हो गई? ये उस्मान ने कहा। उस्मान कौन है? उस्मान एक मेरा दोस्त था, उन्होंने कहा वो कोई फहद को जानने वाला भी था, फहद को भी जानने वाला, यानी वो उसका पार्टनर होगा ना, उसने कहा बच्चे से गलती हो गई है, मिला हुआ होगा, पैसे लेता होगा। गालिब इम्कान यही है, गालिब। मैंने कहा कि ठीक है यार, अगर आप तुम मेरा शोल्डर इस्तेमाल करना चाहते हो तो इसकी एक ही सूरत है, मैं ये जुर्म है, आप इनके सारे पैसे 15,30,000 वापस करें और इनसे जाली डॉलर वापस ले लें। उन्होंने कहा फिर ठीक है रब्ता कर लें। ये यानी 28 घंटे बाद में यानी मैंने उनको कोऑर्डिनेट किया, फिर मैंने उनको कॉल की कि आप आ जाए मेरे घर, ये मुजरम तो छुपे हुए थे ना, मैंने उनको कहा आप चेक भी ले आएँ या पैसे ले आएँ, और उनको मैं कह देता हूँ डॉलर ले आएँ, ताकि अच्छी तरीके से, अगर आप चाहते हैं कि लीगली तौर पर इधर उधर ना जिल्लत और ख्वारगी हो तो पैसे फिर इनके वापस कर दें, और फिर जो डॉलर हैं सारे परात में रख के जला दिए जाएंगे ताकि ये आइंदा मिस यूज़ ना हो, ये मेरी प्लान थी। लेकिन बार सूरत ये एक लीगल मुझसे भी मिस्टेक हुई कि जो डॉलर्स होते हैं वो लाके इधर FIA में देने थे, ये FIA का केस था, इन्होंने पैसे वापस कर देने थे। आप समझते हैं इन लोगों की शक्लों से लग रहा है? मैं आप 100% सही कह रहे हैं कि ये शक्लें सिर्फ आके चेक दे के शायद भाग जाते और पैसे फिर भी ना देते, आप 100% ठीक कह रहे हैं। लिहाजा इनके साथ इंशाल्लाह फहद को भी पकड़ा जाएगा और ये कानून नाफिज़ करने वाले इदारे मेरिट कर रहे हैं। आपको कितने पैसे इन्होंने देने थे? इन्होंने कहा जी अगर आप ये सारी डील करवा दें, उनके भी सारे पैसे दे देते हैं और हमें कानून नाफिज़ करने वाले इदारों के हवाले ना होना पड़े, हम अब ये आपको, ये उस्मान ने कहा 50,000 आपको मिल जाएगा। 50,000 या 1,00,000? 1,00,000 में से 50 उसने लेना था 16 कराने का, उस्मान ने 50 मुझे देना।
तो मैंने कहा ये अगर ये हो गया तो अगर देना हुआ तो दे देना, मुझे इसमें भी कोई गरज नहीं, लेकिन इनके पैसे वापस कर दो। और इनको मैंने कहा कि आपने पूरे लेने हैं पैसे। काम तो गलत था, काम बिल्कुल गलत था। तो आपको ये नहीं पता कि डॉलर किस तरह छाप रहे हैं, मशीनें कहाँ लगाई? मशीनें का ये यहाँ तक, ये FIA की ड्यूटी है कि मशीनों तक पहुँचे। अब सिर्फ ये नहीं है कि करेंसी रिकवर कर लें और बात करें, ये इंशाल्लाह ये करेंगे, बड़े कॉम्पिटेंट है। और ये इंशाल्लाह जहाँ मशीनें पीछे तक, पीछे जहाँ से ये चले हैं, इनकी तो खैर इतनी औकात नहीं है कि ये मशीनें लगा के बैठे हुए हों, इनकी इतनी औकात नहीं है। ये पीछे जहाँ से चले हैं ना डॉलर, वहाँ तक ये एजेंसियाँ पहुँचेंगी इंशाल्लाह। हमारे साथ मदई मुकदमा मौजूद है, इनसे जानते हैं। ये बताइएगा आप कैसे इनके जाल में फंसे, कैसे रबता हुआ? ये सोशल मीडिया नेट पे आया हुआ था, इनका सुहेल नाम का है, उनका नंबर था, उस पर नंबर पे रिसर्च किया, वो कहने लगा जी मौजूद है आप आ जाएं। हमने कहा यार कोई गलत बात तो नहीं? उसने कहा नहीं आप सैंपल चेक कर लें, चेक करा लें, एक ऐसा हो ही नहीं सकता। तो उससे जाके कोई तकरीबन 15.5 लाख रुपये के लिए 6,500 पाउंड हमने ले लिए। तो एक और शख्स था, सुहेल नाम था उनका, गाड़ी में बैठ के उन्होंने वो दिए, बिल्कुल ऐसे लगते जैसे असली थे, ओरिजिनल जैसे ही लगते थे। जब ले लिए तो बाद में पता चला यार ये तो 2 नंबर है। उनको कॉल की तो आपको कैसे पता चला कि जाली हैं? वो वहाँ पे जो ये डॉलर वाले चेक करते हैं, मनी चेंजिंग वाले, उनको चेक कराया, उन्होंने कहा फेक है वो, तो शुक्र करो वहाँ हम बच गए। हमने कहा यार हमने तो लिए हैं, हमें तो जाने दें। वो बड़ी रिक्वेस्ट करके हम उनसे वापस आए। फिर इनको कहा, ये कहने लगे यार वो हाँ हो गया आपके साथ, गलत हो गया, तो मैं आपको रिकवरी कराता हूँ, कोई ऐसा मसला नहीं, परेशान ना हो। तो वो एक दिन शाम गुजरी, शाम को प्रोफेसर साहब का फ़ोन आ गया, उन्होंने कॉल की कि मैं फीस बिल आपका ये मामला हल करवा दूँगा, आप आ जाए। तो जब हम उनके पास गए, उसने कहा डॉलर लेके आए हैं। तो मैंने तो अपना को थोड़ा सा किसी को बताया हुआ था कि यार मैं डॉलर लेके जा रहा हूँ। जब डॉलर लेके वहाँ पे पहुँचा हूँ तो पीछे से एक टीम आई, उन्होंने कहा जी ये है मुलज़म, इनके पास है जाली करेंसी। तो मैंने कहा सर जाली करेंसी मेरे पास नहीं, इन्होंने मुझे बुलाया था। तो वो इस तरह से वो टीम ने आके फिर इनको पकड़ लिया। जकौला साहब भी इस टाइम अरेस्ट है और जो वो दूसरे सुहेल साहब है। कितनी रकम थी ये? $6,000 थे, तकरीबन 15.5 लाख रुपए बनता है। तो आपने इनसे ही क्यों लिए? मनी एक्सचेंजर्स हैं, उनके पास क्यों नहीं गए आप? बस इन्होंने नेट पे दिया हुआ था, सोशल मीडिया पे। हमने कहा वो गलत थोड़ी कर सकता है कि बंदा इतने बड़े इदारे में अगर वो बैठ के काम कर रहा है तो सच होगा। तो इन्होंने कहा यार ऐसा कोई हो ही नहीं सकता, हम गलत थोड़ी करते। तो गारंटी भी दी थी इन्होंने कि यार हम जिम्मेदार हैं इस चीज़ के। तो फिर वो जकारुल्लाह साहब को उठाया, प्रोफेसर साहब को, एक वो मुलज़म है, एक सुहेल है, एक फवाद है, जो मेन है फवाद है, फवाद से पैसे लिए थे। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चलेगा कि कब से कर रहे हैं और कितना कर चुके हैं, लेकिन अभी जो है 3 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं जो कि ऑनलाइन सोशल मीडिया के ज़रिए ट्रेडिंग करते थे डॉलर्स की और जाली करेंसी की। और जो हमारा विक्टिम है, कंप्लेनेंट है, उसको इन्होंने दिए। जब वो लेके गया आगे उसको कुछ बाय करने के लिए, तो उसको पता चला कि ये जाली करेंसी है। तो ऑब्वियसली फिर साइबर क्राइम विंग के पास आया, तो इस पर हमने कार्रवाई की विद इन अ डे, और 6,000 जो हैं वो अमेरिकी डॉलर जो हैं वो बरामद हो चुके हैं उनके पास से। 3 लोग अरेस्ट हो चुके हैं और आगे जो इसका गैंग है, वो लोग जो इसको डॉलर को बनाते हैं, हमने एक तो वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करनी है, बल्कि पहुँचना है इंशाल्लाह। और दूसरा ये है कि जो लोग मार्केट में दे रहे हैं वो तो अरेस्ट हो चुके हैं। तीसरा इसका एक नई चीज़ नज़र आई है कि कुछ ऐसे लोग भी इन्होंने हायर किए हुए हैं कि जो बड़ी एज के बुज़ुर्ग टाइप जो जिनका नज़र आता है हुलिया, वो जहाँ पर मामला ख़राब होता है तो वो बीच में पढ़ के सुलह सफाई करवाने के लिए और वो सारे मामले को रफा दफा करने के लिए वो अपना किरदार अदा करते हैं। अभी तक जो चीज़ सामने आई है, फहद नाम का एक लड़का है, उसका भाई अरेस्ट हुआ हुआ है, वो मेन कैरेक्टर है यहाँ पे। उसके रेड शेड किए हैं, उसको पकड़ने की कोशिश की है, भाई उसका हाथ आ गया और उसका और कुछ गैजेट्स उसके मिले हैं उसके घर से। तो बाकी इंशाल्लाह उसको जल्दी अरेस्ट कर लिया जाएगा। मुकदमा जो दर्ज किया गया उसमें किन दफात को शामिल किया गया और इनको कितनी सज़ा हो सकती है इस जुर्म में? जी इसका जो है 13 और 14 हमारे साइबर क्राइम एक्ट जो PICA है उसके सेक्शंस हैं। उसके अलावा जो पाकिस्तान पिनल कोड का सेक्शन है वो 489 BC इसके अंदर हमने ऐड किए हैं कि जिसमें जाली करेंसी बनाना, उसको अपने पास रखना और उसको सेल करना जो है उसमें, और इसकी लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक इसकी सज़ा है, उम्र कैद तक की सज़ा है इसकी। ये भी बता दें कि कहाँ से इन तीनों मुलजिमान को किन इलाकों से गिरफ़्तार किया? जी इसको एक तो मॉडल टाउन से पकड़ा और एक वो है मुल्तान रोड से पकड़ा, और तीसरा जो बंदा पकड़ा है वो शेखुपुरा और लाहौर के दरमियान से उसको ट्रैप करके पकड़ा।